खुद को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी दूसरे को भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों का शौक पालना चाहिए मुझे तो। तो दोस्तों, आपको जैसे पता, सर्दियां तो शुरू हो ही गई हैं और मैंने बनाई है आलू गोभी, क्योंकि सर्दियों में आलू गोभी, आलू गाजर, आलू मटर ये तो कॉमन चीज़ हो जाती है और हम लोग इस दिन का वेट भी करते हैं कि कब सर्दियां आएँ और कब हम लोग ये सब्जियां हमें मार्केट में मिलेंगी। तो मैं लेके आई थी गोभी और मैंने बनाया आज आलू गोभी की सब्ज़ी, आप देख रहे हैं। बस थोड़ी सी और पक जाएगी, मैंने इसमें अभी जस्ट अभी हरा धनिया डाला है। और उधर मैंने दही के लिए जो है दूध मिल्क गर्म कर लिया है, क्योंकि कल जो है मैंने दही नहीं जमाई थी, 1 लीटर की जमाई थी, वो 2 दिन आराम से चल गई हमारे, अभी भी बची पड़ी है। और सिम्बा के लिए तो आप लोगों को पता है अमूल वाली में ताक लेती हूँ लस्सी। दूसरा, इधर मैं दूध इकट्ठा हो रहा था काफ़ी, तो काफ़ी टाइम हो गया मैंने सेवैयाँ बनाए, तो आज मैं सेवैयाँ बनाऊँगी अभी। तो दोस्तों, ये निकाल ली है एक्स्ट्रा सामान में से हमने सेवैयाँ, और अब हम जो है ये है रोस्टेड वाली। मैं दूध को थोड़ा गर्म कर रही हूँ, उसमें मैंने इलायची डाली जो आप लोगों को दिख रहा है ना, कुछ और नहीं है, इलायची है। तो थोड़ी क्रैक करके मैंने डाल दी कि धीरे धीरे इसका जो है निकलेगा। और इधर मैं अपनी सब्जी भी चलाते जा रही, पता चला यही जल गई, तो बस हो गया भाई। दूसरा, ये देखिए आलू भी पक गया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए और इसको कवर कर देती हूँ मैं, ताकि जो भी है इसमें कमी। और ये बड़ी कढ़ाई में मैंने बना ली, क्योंकि दूसरी वाली में सुबह मैंने उपमा बनाया था, बच्चों को दिया था उपमा। और किचन देखिए कैसे हालात हो गए, अभी सब ये क्लीन करूँगी। और जो है ये इसलिए फैला हुआ है कि मैंने ना ये थी सूजी बोलते हैं रवा, तो रवा जो है वो सुखा के रखा है इधर छान के, और थोड़ी सी धूप आएगी तो इसमें धूप लग जाएगी हल्का हल्का सा ना, ज़्यादा नहीं, ऐसा लग रहा था ख़राब हो जाएगी थोड़ा इसमें। और ऐसे ये जीरा है, तो ये भी बोतल में एक एक्स्ट्रा भरा हुआ था, इसको भी साफ़ करके, थोड़ी धूप लगी है सुबह बट अभी फिर और कर दूँगी। और देखिए आज काम बहुत पड़ा है, और मैंने ना शाम के बर्तन धुले भी नहीं रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पड़ी हुई हैं। और ये देखिए बात करते करते ना मेरा दूध चला जाता है, तो कमी करना पड़ा। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ सेवैयाँ, और इधर अदरक मैंने मसाले में भी डाली थी सब्ज़ी में, बट मैं ऊपर से भी डालती तो अच्छा टेस्ट आता, इतना मैंने टुकड़ा अदरक का सब्ज़ी के अंदर पीसने में डाल दिया था, धनिया और इसका पेस्ट बना रही थी तब। और अभी मैं इसमें किसके डाल देती हूँ ये वाली अदरक लास्ट में, और कवर करके रख दूँगी। तो दोस्तों, इधर ले ली हमने अपनी सेवैयाँ, और मैंने गैस कर दी थी कम, क्योंकि पता चला देखते देखते मैंने दूध जो है निकाल दिया है, और ये डाल दिए हैं सेवियाँ। और अभी इसे हम चलाएंगे, और चलाने के लिए हमें चाहिए जो है स्पून, तो स्पून भी धीरे धीरे ना, दिवाली को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी चीज़ें ना क्लीन करने को आ गई हैं, मतलब डेली रूटीन में जो होता है वो अलग है, लेकिन फिर भी। और ये देखिए, नहीं तो ये गट्ठ बन जाएगा, ये धीरे धीरे पकेगी एकदम स्लो गैस पर। और हम लोग तब तक लगाएंगे आटा, और उसको मैं निकालती हूँ वाले साइड वाले दूध को, उसकी जमाती हूँ दही, दही जो मैं फुल क्रीम वाले दूध की जमाती हूँ। दोस्तों, सर्दी आ गई है, मोटे होने का फिर डर लगता है, पहले ही ऑलरेडी हैं, तो वेट गेन नहीं करना है, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें और तरीके से खानी है। मीठा इसमें मैं ना के बराबर ही डालूँगी, वो भी बच्चों के लिए। मैं ढूँढ रही थी दोस्तों ये पकड़, इसको ना ऐसे उतार लूँगी तो ईजीली उतर जाएगा ये साइड से, नॉर्मली मैं पीछे रखती नहीं हूँ। एक्चुअली आज क्या है ना, मैं बताती हूँ आपको, पहले इसको रख देती हूँ। और दूसरा, पोचे की बाल्टी, ये देखो पानी चेंज करके रखा हुआ है, झाड़ू लगा दी थी मैंने, पोचा लगा दिया था आज, बेड वेड सब हटा के और पूरा अच्छे तरीके से क्लीन किया, क्योंकि सिम्बा ना हर जगह घूमता है, तो ऐसे ही सेम ये रूम में भी मैंने पूरा बेड वेड हटा के झाड़ू किया, पोछा किया, तो ये देखिए बड़ा अच्छा नीट एंड क्लीन हो गया है। बाकी जो भी भसड़ मची हुई है वो सारी करनी है उससे पहले जो है। हाँ, अभी आधा बचा है, तो मैं सोच रही हूँ किचन को थोड़ा सा, ये देखिए किचन का हालात कैसे हो गई है, धनिया गिर गया उधर, ये सब सब क्लीन करके, आटा लगा के क्लीन करके, और फिर मैं लगाना करूँगी स्टार्ट अपना पोछा, क्योंकि पोछा मेरा बचा है, हॉल बचा है ये वाला रूम अभी, मतलब लगा लो कि 2 BHK नहीं बोलूँगी कि हॉल नहीं हुआ, 2 रूम्स में हुआ है। एंड थर्ड रूम जो है मेरा बचा, उसमें कुलदीप की मीटिंग चल रही है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, लाइट्स ऑन नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी घर में ना बहुत सारी लाइट्स आती है बट वो कैमरे में नहीं आती। तो इधर कुलदीप की मीटिंग चल रही थी, मतलब कॉल था डेली जो रहता है, और गुड मॉर्निंग तो बोल दो दोस्तों को। गुड मॉर्निंग,
और दिख ही नहीं रहे। तो इधर अभी चलिए, ये देखिए कैसे पूरा कल सामान लेके आए थे। और हाँ, मैं डीमार्ट से लाइट ऑन करना है, तो मैं एक मेरे अंदर टेबल है मेरे मास्टर बेडरूम में, उसके लिए मैं ये लेके आई थी। जो है पूरा देखो मैचिंग मैचिंग हो गया मेरे फर्नीचर के साथ, इत्तेफाक से हो ही जाता है। तो दोस्तों भाई डिफ़ॉल्ट मेरा ना ये सब मैच हो ही जाता है। देखो फर्नीचर पूरा जो है ये है, ऐसा ही है मेरा डोर भी, और ये भी ऐसा ही मुझे मिल गया है, तो मुझे मिल ही जाता है। तो ज़्यादा भी नहीं था डीमार्ट में, ये दिखाऊं तो आपको 179 रुपीज़ का था, मतलब 180 रुपीज़ का, ठीक ठाक है। और अंदर जो छोटा वाला टेबल है, साइड टेबल मैंने ऐसे ही टेम्परेरी रखा, तो उस पर मैं करूँगी। देन उसके बाद जो है ये सारा जो भी भसड़ मची हुई है इसको क्लीन करूँगी। और नैनिका की तो पेंटिंग ख़त्म ही नहीं होती है, देखो एक और बना के रखी है। मैं बाहर घूमने गई थी, आई थिंक उसने तब बनाई होगी, एक मुझे दिखाई भी थी। ओह कुलदीप बोल रहे हैं यही है, नहीं एक और बनाई हुई है छोटी आई थिंक वो। और ये क्या यूज़ किया उसने, ओ माय गॉड, कटिंग बोर्ड देखो, ये कटिंग बोर्ड बोल रहे हो, सॉरी बोर्ड जो हमने ये फर्नीचर का काम करवाया था ना उसमें प्लाई बची हुई थी हल्की लाइट वेट, मुझे लगा कोई गत्ता टाइप का वैसा है। तो ये दोस्तों देखो प्लाई यूज़ की है उसने, ये देखिए। तो नैनिका भी मस्त में आएगी, तो बोल रही थी मम्मा व्लॉग में मेरा ये दिखाना, तो मैं दिखाऊंगी। बाकी दिवाली पे जो मैं ये लेके आई थी ना कैंडल्स रखने के लिए, तो ये भी रखूंगी, ऐसे पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, या तो फिर उधर ऊपर कहीं लगाऊंगी लग गया तो। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें भरी हुई भी मुझे पसंद नहीं, जैसे ये हो रखा है ना तो बच्चों ने कर रखा, अभी ये भी क्लीन करना है। और दूसरा प्लांट्स को भी देखूंगी। और तो दोस्तों मैं फटाफट लगी हुई थी, और इधर कुलदीप ने मुझे बताया है कि जो है मेरा अपॉइंटमेंट जो है आज का नहीं है, ट्यूसडे का, वेनसडे का है। कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा आज वेनसडे है क्योंकि ना सैटरडे संडे का पता चलता और ना ही वीकडेज का पता चलता है, तो ऐसे सब मिक्स मैच हो रहा है, मतलब दुनिया पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। मेरा ये हाल है तो बाकी लोगों का तो बहुत बुरा हाल होगा। सो गाइस अभी हम लोग करेंगे बाहर की एंट्री। देखो बाहर एकदम वेदर मतलब इतना मस्त वाला है ना, बहुत ज़्यादा। और खाना भी साथ के साथ बन रहा है और मैं अपना वेदर भी इंजॉय कर रही हूँ, बट मैं नहा ही नहीं होगी तो वो सारा काम करके अभी फिर बाद में रोटी बनाऊँगी और मस्त में फिर अपना नहा धो के रिलैक्स होंगे। तो ये देखिए बाहर का वेदर, धूप निकली हुई है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा मतलब ठंड होती है, रात को 11 बजे अगर बाहर निकले ना तो वहाँ पर वाट लग जाती है। और अभी देखेंगे तो धूप है, धूप में थोड़ी गर्मी भी लगेगी। और चलिए फिर किचन में, क्योंकि किचन में जो है बैंड बज जाएगी अगर जल गया तो कुछ, वैसे मैंने गैस ऑफ कर दी थी सब्जी की, और जो है मंदिर टिक किया था बट अभी फिर से करना है, तो रोज़ भी हो जाता है फिर भी इधर इधर हो ही जाता है। बच्चों से कुछ बोलो तो इधर अपनी जो है ये सेवैयाँ धीरे धीरे बन रही हैं और स्लो उस पर मैंने रख दी है, तो घुटकी एकदम अच्छी बन जाएगी। तो अभी फटाफट क्लीन करूँगी क्योंकि ना इधर भी बहुत सारी चीज़ें, कल सामान लेके आई थी ना तो ला ले आओ और ला के रखना वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, तो वो भी मैं पूरा करूँगी। फ्रिज बच्चों ने देखो कैसे भर दिया है, ये मुझे सब पसंद नहीं है, तो अभी सारा क्लीन करना है धीरे धीरे। पहले मैं सोच रही थी झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर ये सेट करने वाला वैसे गर्दा कुछ है नहीं, तो फटाफट करते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों ये वाला एकदम पीला हो गया लेमन, अब पता नहीं है यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं वो पता नहीं है। न्यू फ्लावर इसमें आ रहे, वाइट वाइट दिख रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे आए हुए हैं। अभी पानी डालूंगी थोड़ी खुदाई करके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे ये सब प्लांट्स वगैरह को संभालना, तो अभी देखूँगी जिस जिसमें प्रॉब्लम है वो निकालूँगी। और ये गुलाब तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको पहले मैं सोच रही थी कट कर देती हूँ नीचे से फूटी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना लंबा लंबा जा रहा है, तो देखते हैं। और ये वाला तो बहुत अच्छा हो गया, वैसे इसको धूप नहीं मिल रही है, कुछ फंगस सा लग गया, अभी धूप में रखूंगी इसको उठा के बालकनी में। तो लाइट्स वाला है ना मैं दिखाऊं तो आपको, बड़ा ही प्यारा लगता है ये वाला ट्री, और बड़ा होता है तो और भी प्यारा लगता है, लेकिन छोटे से ही बड़े होते हैं। तो ये देखिए ब्यूटीफुल, मुझे तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ स्नो फैली हो और ऐसे लाइट्स लगी हो ट्री पे हाउस पे, तो बड़ा अच्छा लगता है दिखने में। नहीं आप लोग कमेंट करना आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं,
दिल खुश हो जाता है, मतलब पूरा मन में ऐसे उजाला उजाला टाइप का हो जाता है। तो जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, तो वो अपनी करनी चाहिए मन की, जिससे खुद को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी दूसरे को भी नहीं। तो ऐसी चीज़ों का शौक़ पालना चाहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा है प्लांट वगैरह का, तो कमेंट करना आप लोगों को भी है। और ये वाला भी अच्छा चल रहा है मेरा प्लांट, रबर वुड वाला। वो कौन आई, कौन आया? अभी भी उठ रही हूँ, पैरों की तरफ देख रहा है, आ रही है नहीं आ रही? मम्मा रेडी है सबसे पहले। भैया भैया इधर आ जा, ये देखो सोया हुआ आया नौटंकीबाज। अशंभू ओए यशु देख ले, और ये किसकी प्यारी करेगा, पापा की या भैया की? पारी तो कर रहा है मेरा बच्चा, एक और बच्चे का, ये मम्मा का बच्चा आ गया, आ गया शैतान आ गया। हाँ आ गया शैतान आ गया। हाँ पता है, हैप्पी है, हैप्पी है यश सिम्बा, हैप्पी है ना, हैप्पी हो गया शैतान बच्चे को देख के। क्या किया स्कूल में, क्या किया स्कूल में? मैंने एक बनाना खाया था, छिलके इधर ही रख दिए दोस्तों, थक गई काम करते। ओ माई गॉड डैडी, इतना एक्साइटेड मत हो कि पहले एक सॉक्स चुराता था, अब सारी चीजें चुराने लगा बच्चा। नो नो मेरे शिमड़े, मस्ती आ रही है। शक्ल देख लो इसकी, बोली सी शक्ल देख लो दोस्तों, मारूंगी मैं फिर। फ्रूट इतने पसंद है कि बोल रहा बनाना का छिलका भी दे दे, नहीं नो उल्टी कर देगा, फिर वॉमिटिंग आती है इसको। आज आज तो मैंने ऑरेंज खाया इसके सामने, उसकी भी स्मेल ले रहा था, बनाना तो खिला देती, ऑरेंज का पता नहीं कहीं उल्टी कर दे, खाएगा नहीं चित्रान देगा। तो दोस्तों सारा किचन विचन सब क्लीन हो गया इधर,